अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी मेंटेलिटी एंड जर्मन मेंटेलिटी ओवर हियर। ये रोड आप देखें, इस पे आई थिंक वो पीछे तक एक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, एंड आई कैन शो यू कि गाड़ियों की कतार इस साइड पे भी वो आगे तक जा रही है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ आप ये वाली लाइन देखें, चूँकि ये वाली लाइन यहाँ मुड़ने वालों की है, इसलिए कोई भी उस लाइन में एंटर नहीं हो रहा बिला वजह। अगर किसी ने मुड़ना है फाइन, लेकिन उसके अलावा कोई घिचपिच नहीं कर रहा है, कोई बाइक यहाँ पे जिग जैगिंग नहीं कर रही है, कोई गाड़ी पाँ चींची नहीं कर रही है, सब लोग बड़े आराम से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। लाइक यू सी, किसी एक को रास्ता मिल रहा है, वो आराम से गुजर रहा है, बट कोई धक्कम पेल नहीं है, कोई चींची पाँ कुछ नहीं है, और कोई हसल बसल नहीं है। लुक, इस गाड़ी ने मुड़ना था, सिर्फ वो एक उसी लाइन में आई, बाकी किसी ने वो लाइन किसी को क्रॉस करने के लिए भी यूज़ नहीं किया है। एंड दिस इज़ द डिसिप्लिन, दिस इज़ द मेंटेलिटी जो कि डिफ्रेंशिएट करती है एक, अब मैं क्या नाम लूँ, हमारे पाकिस्तान को और इस तरह के और कंट्रीज़ को और इन यूरोपियन कंट्रीज़ को। सो यू सी, वो एक बाइकर चुप करके गाड़ी के पीछे खड़ा है, बट चाहे तो वो क्रॉस कर सकता है, बट दैट्स द मेंटेलिटी, नहीं कर रहा है वो। एंड आई विश कि ये वीडियो या मेरी ये छोटी सी एफर्ट बाकी लोगों तक पहुंचे जो कि पाकिस्तान में इस तरह की गलती करते हैं कि वो बार बार जिग जैगिंग और क्रॉसिंग और एट्सेट्रा और जो भी धक्कम पेल, और इसी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं फिर, तो उन तक ये पहुँचे और वो इस मेंटेलिटी को अपनाएं, तो हमारा पाकिस्तान भी इन कंट्रीज से पीछे नहीं रहेगा इस सिनेरियो में एटलीस्ट, और हम भी इसी डिसिप्लिन पे आ सकते हैं अगर हम चाहें। थैंक यू, बाय।